राधा स्वामी। ओम नमः शिवाय। शब्द नमः है ओम नमः, लेकिन संधि हो जाती है संस्कृत में दो शब्दों की आसपास, तो नमः जो है वो नमो बन जाता है। दोनों ठीक है, ओम नमः शिवाय कहो तो भी ठीक है, ओम नमो शिवाय कहो तो भी ठीक है। शब्दों में कुछ नहीं रखा हुआ, भगवान शिव को नहीं पता ओम क्या है और ये जो नमः है ये क्या है, वो जानते भी नहीं ये उनका मंत्र है। बात असली भावना की होती है, तुम कहाँ हो, तुम्हारा अंतरतम कहाँ है, तुम्हारी भावना में क्या है। शब्दों के पीछे नहीं जाना चाहिए। सबसे अधिक उन लोगों का जिक्र आता है जिनके पास कोई शब्द नहीं था और वो परमात्मा को पा गए। कोई शब्द नहीं था, मेरे देखे शब्द रुकावट है। ये जो नामदान भी दिया जाता है, ये नामदान जिन्होंने ठीक से दिया है, जपा है, सिमरन किया है, इसका अभ्यास किया है, वो जानते हैं कि अगर उस तरह से जिस तरह से सतगुरु ने बताया है और जैसे जैसे उनके निर्देश हैं, अगर वैसे तुम सिमरन करते हो तो सिमरन छूट जाता है, बंद हो जाता है, शब्द खो जाते हैं और परमात्मा आलिंगन करता है तुम्हें। वो घड़ी आती है, सिर्फ परमात्मा बचता है, कुछ भी नहीं बचता, न तुम न तुम्हारे शब्द, सब लीन हो जाते हैं। उस समय तुम ओम नमो शिवाय कहो या ओम नमः शिवाय कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा संस्कृत पढ़ करके पैदा नहीं हुआ, वैसे तो वो कभी पैदा ही नहीं हुआ, वो सदा है, सनातन है, नित्य है, निरंतर है। लेकिन अगर समझो कब आया वो, कैसे हुआ, तो वो संस्कृत नहीं उसने सीखी, ना तुम्हारी अपनी भाषाएं जो तुम बोलते हो यहाँ या किसी दूसरे देश में, जो भी भाषाएं हैं, चाहे वो हिब्रू है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो फारसी है, चाहे वो फ्रेंच है, कोई भी भाषा है, वो किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं रखता है, क्योंकि सब भाषाओं का ज्ञाता वो है। और सब भाषाओं का जो ज्ञाता है उसको कोई भाषा नहीं आती है। यही तो एक चमत्कार है। इसलिए शब्दों में मत पड़ो, शब्द गौण हैं, शब्द छूट जाएंगे, शब्द टूट जाएंगे, शब्द विनाश को प्राप्त होंगे, क्योंकि शब्द भौतिक हैं, शब्द सांसारिक हैं, इसलिए उनका विनाश होगा। और जिसको तुम याद कर रहे हो, जिस परमात्मा से जुड़े हुए हो, चाहे उसको शिव कहते हो या विष्णु कहते हो या ब्रह्म कहते हो या सतगुरु कहते हो, कुछ भी कहते हो, जिससे तुम जुड़े हुए हो, वो अविनाशी तत्व है। वो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। अगर तुम्हारा सतगुरु मरता है तो तुम गलती पर हो,
वो नहीं मरा, वो मर सकता नहीं। जिस दाता दयाल का आज जन्मदिन है, हमारे परदादा गुरु, वो कभी मरे थोड़ा है दाता दयाल आज भी। जब ये हमारी आचार्य ज्योति रानी याद करती है उनको यहाँ बैठे बैठे कि उनका जन्मदिन है, तो आपका क्या ख्याल है वो यहाँ मौजूद नहीं है? ये भ्रम है, यही जीव का भ्रम है जो उसे परमात्मा से दूर रखे हुए है। यही एक भ्रम है जो तुम्हें दुख देता है, क्योंकि दुख कुछ भी नहीं, परमात्मा से दूरी का नाम दुख है और उसके साथ नजदीकी का नाम सुख है, उसके साथ एक हो जाने का नाम परम सुख है, परम आनंद है। छोटी सी तो बात है, बस हाथ को ऐसे करना है और सब हो जाता है। ऐसे है तो दुख है, ऐसे है तो सुख है। इतने में आंख झपकते सब सिद्ध हो जाता है। देरी तुम्हारी तरफ से है, तुम पीठ किए बैठे हो, बस जू ही तुम मुड़े, जू ही पीठ तुमने संसार की तरफ की और मुंह तो मैंने परमात्मा की तरफ किया, परमात्मा की तरफ किया, सन्मुख हो गए, उधर संसार के विमुख हो गए, परमात्मा के सन्मुख हो गए, वो होते ही एकदम वर्षा होगी अमीरस की, अमीरस की। वो रस अभी, वो रस बरसा रही थी ना हमारी प्यारी, बहुत ही प्यारी, ये बैठी हुई हमारी माँ भी है, ये हमारी भारिया भी है, ये हमारी हमारी दादी भी है, ये हमारी माता की माता भी है, ये सब कुछ है। क्यों नहीं हो? आपको पता नहीं ये कौन है? ये जो आपको भजन सुनाती हैं, कौन है ये, जानते हो कि नहीं जानते? बेटे दर्शन दो इनको, ये तुम्हें जानते नहीं है। रोज तो दर्शन करते हो, जब जब आते हो सत्संग में, तो नीरजा पंडित के दर्शन नहीं होते यहाँ? यहाँ बैठकर हारमोनियम पे इतने अच्छे अच्छे भजन सुनाती हैं तुम्हें। ये बॉलीवुड सिंगर हैं, तुम जानते नहीं, लोग इनके पीछे पीछे घूमते हैं, नोटों की थदियाँ लिए हुए कि हमारे यहाँ गा दो, हमारे यहाँ आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ। गाना बिकता नहीं है, स्वर बिकता नहीं है, जो मधुरता है उसका कोई मोल नहीं है। जो स्वाद है, जो रस है, जो हार्मनी है, जो लयबद्धता है, उसका कोई मोल नहीं है। लेकिन फिर भी लोग, संसार है ना, ये नोट कोई जानता है, नोट ये जो खर्चते हो, ये जिनको लिए घूमते हो, जिनकी गर्मी से तुम्हारी गर्दन अकड़ जाती है, ये वही है ना, वो इनके आगे पीछे लेके घूमते हैं, ये परवाह नहीं करती, ये सब प्रोग्राम छोड़ के यहाँ आ जाती है। तुम सोचो तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है ये,
इस छोटी सी सत्संग गोष्ठी का कितना बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हें, तुम मांगते भी नहीं, तुम कहते भी नहीं, तुम बोलते भी नहीं, तुम कोई धनराशि भी नहीं देते हो, कुछ भी नहीं देते हो उसको। वो बेचारी अपने खर्चे पे खर्चा करके चली आती हैं यहाँ पर तुम्हारे पास, तुम्हें दर्शन देने और तुम्हें रिझाने, ये अच्छे अच्छे शब्द लेके आती हैं ताकि कहीं तुम्हारी वृत्ति टिक जाए। कोई शब्द सुन के ही टिक जाए, कोई आवाज़ सुन के ही तुम थम जाओ और स्थित प्रज्ञ हो जाओ और समाधि में चले जाओ। वो घटना कभी भी घट जाती है, वो घटाए नहीं घटेगी, वो अपने आप घटती है अगर तुम तैयार हो, अगर तुम तैयार हो। और ये पता किनकी धर्मपत्नी है? अशोक पंडित, जिनको आप बार बार देखते हो इसी सभा में। ये अशोक पंडित बहुत नामी गरामी इंसान हैं। इनकी परिभाषा मैं नहीं कर सकता, किसी से पूछो तो तुम्हें पता लगे, या जो जानते हैं इनको। ये छाए हुए हैं मुंबई में और कोई वार्ता, कोई बातचीत कश्मीर के बारे में हो वो इनके बगैर पूरी नहीं होती। ये सारे चैनल वाले और ये फिल्मों वाले ये इनको ढूंढते हैं कि आओ आओ हमारा मार्गदर्शन करो। ये मार्गदर्शक बैठे हुए हैं यहाँ। तुमने एक बार भी इनका धन्यवाद नहीं किया होगा। मैं क्या धन्यवाद करूं इनका, मैं तो शुक्रिया कर करके अपने मन में ही महसूस कर जाता हूं। छोटा हूं ना, क्या करूं, इन तक पहुंच नहीं है। तो शुक्रिया 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 यही कहता हूं। और फिर अगर मैं ये जिक्र कर ही रहा हूँ तो यहाँ पर हमारे उपाध्याय साहब भी बैठे हैं। ये कितना समय देते हैं, अपना अमूल्य समय। इनको एक कौड़ी भी नहीं मिलती इस मंदिर से, ये कोई पैसा लेने नहीं आते हैं, ये सेवाएं दे रहे हैं अपनी मुक्त हो करके। और तुम फिर भी आभारी नहीं हो इनके? ये आभार रहेगा, ये उतारा नहीं जा सकता। तुम कितनी भी तालियां बजा लो, तुम कितने भी सजदे कर दो, इनका ये आभार तुम नहीं अदा कर सकते। तुम्हारे आने से भी एक घंटा पहले ये आके यहाँ विराजमान हो जाते हैं अपने ये बाजे और ये गाजे, ये क्या कहते हैं इसको, नाम में क्या रखा है कुछ भी नाम दे दो। हम तो लय में रहने की बात कर रहे हैं। ये सब जितना भी है इधर उधर का इंतज़ाम गुरु माँ ने किया तुम्हारे लिए, वो सब तुम्हें लय में लाने के लिए, लयबद्धता, लयम व्रज।
तू लय में आ जा, बार बार हम कहते हैं, ऐ इंसान तेरी लय खो गई है, तुम्हें क्रोध जब भी आए रुक जाना और झांक लेना अपने भीतर, तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी लय खो गई। जब भी बुखार चढ़े, जब भी मुसीबत आए, जब भी रोग सताए, तो ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पक्की बात है कि तुम्हारी लय खो गई, तुम लय में नहीं हो। बीमारी, लाचारी, रोग, शोक, ये सब लय के खो जाने का नाम है। लय, वो लय जिसके साथ तुम पैदा हुए हो, वो लय लय है, एक बद्धता है, एक सुर है, एक हारमनी है, एक प्रकार से वो बड़ी अच्छी तरह से सलीके से रखे हुए साज हैं और वो बजते हैं तब तुम पैदा होते हो। कभी किसी शिशु को रोना तुम सुनो ध्यान से, तो तुम्हें सुनाई क्रंदन नहीं आएगा, वो क्रंदन नहीं सुनाई देगा तुम्हें, उसमें एक लय सुनाई देगी, एक संगीत सुनाई देगा। वो संगीत लेके ही पैदा होता है। हम ये माया जाल में फंस करके संसार की दौड़ भाग में बीमारियां इतनी सहेड़ लेते हैं कि वो लय खो जाती है, धीरे धीरे लय वो बिल्कुल बर्बाद ही हो जाती है। अब कहाँ से आए वो लय, कौन दे तुम्हें वो वापस लयबद्धता, कौन तुम्हारा संगीत तुम्हें लौटाए, कौन वो बाजा बजा दे और कौन वो वायलन के सुर सादे 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 करके तुम्हारे कानों तक, तुम्हारे हृदय तक पहुंचा दे कि तुम फिर से जाग जाओ, कि तुम फिर से जंकृत हो जाओ, कि तुम फिर से बजने लगो, कि वो संगीत फिर से बहने लगे तुम्हारे अंदर से, और ये घटना घटते ही परमात्मा के दर्शन, ये घटना घटते ही परमात्मा के दर्शन। जिस शब्द की बात करते हैं राधा स्वामी मत वाले या संत मत वाले, वो शब्द कुछ नहीं है, वो शब्द वही बहुत ऊंचाइयों में जा करके जो संगीत सनातन रूप से बज रहा है, जो निरंतर संगीत है, वो तब तक रहेगा जब तक ये सृष्टि है। जिस दिन वो खो गया, वो संगीत खो गया, सृष्टि का विनाश, सृष्टि नहीं टिक सकती, भूचाल नहीं आ सकते, सृष्टि की बर्बादी नहीं हो सकती जब तक वो लयबद्धता है, जब तक वो संगीत है। संगीत ही जीवन है, संगीत खो गया तो जीवन खो गया। तुम अपनी श्वास को ही देखो, ये एक संगीत में बह रही है, एक संगीत है बज रहा, तुम्हारे भीतर भी तुम्हारे बाहर भी। जो ही ये संगीत ढीला पड़ा, जो ही ये संगीत खोने लगा, तुम बीमार होने लगे, तुम बिस्तर पे पड़ गए, तुम्हारी कमर झुक गई, तुम्हारी टांग टूट गई, तुम बिखरने लगे, तुम मिटने लगे। तुम तो कभी भी नहीं मिटोगे, तुम्हारा शरीर मिटेगा। जब मैं मिटने की बात करता हूँ, खोने की बात करता हूँ, तो मैं भौतिक स्तर की बात कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे शारीरिक मूल्यों की बात कर रहा हूँ। ये शरीर, तुम तो सदा हो, तुम तो सनातन रूप से हो। पूछना हो किसी ने कि मैं कौन हूँ, तो कभी फुर्सत में मुझसे पूछ लेना,
मैं तुम्हारे भीतर झांक करके सब तुम्हारा चिट्ठा खोल दूंगा। वैसे इस काम के लिए हमारी गुरु माँ सबसे सबसे आगे है। गुरु माँ को लोग पहचानते नहीं हैं, क्योंकि ये अपना रूप छुपा कर रखती हैं दूसरों से। अब मेरे से तो नहीं छुपा। ये इंसान का चेहरा देखते ही उसका सारा चिट्ठा बता देती हैं, अगर वो पूछे तो, नहीं तो अपने तक लगती हैं। तो इसीलिए हम इनको त्रिकालदर्शी कहते हैं, हम इनको इनको तीनों कालों के जानने वाला कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा जोर देना अपने ऊपर तो सारी चीज साफ हो जाती है, सारी चीज साफ हो जाती है। इनसे पूछ लेना कि अगला भूचाल कहाँ आएगा, ये बता देंगे, ये यहाँ तक भी जानती है। और भूचाल को टालना कैसे है वो भी ये जानती है। तो जहाँ पर इतने इतने हीरे जवाहरात आपके पास आपकी सभा में है, वहाँ गुरु माँ सबसे बड़ी एक देन है इस संसार को, इस सभा को। तुमने कभी उनका शुक्रिया अदा नहीं किया। ये चुपचाप आती हैं, चुपचाप चली जाती हैं। लेकिन याद रखना एक बात को कि इनका होना ही काफी है। सतगुरु कुछ ना भी बोले तो भी समझना कि मैं धन्य हुआ, उसकी मौजूदगी ही सब कुछ कर जाती है। तुम्हें खबर भी नहीं लगती, तुम्हें खबर भी नहीं लगती, जैसे तुम नींद में सोए हुए हो, सपने देख रहे हो या गहरी नींद में हो, जैसे भी हो, तो कोई आके तुम्हारे ऊपर अमृत की वर्षा कर जाए, ऐसे होता सतगुरु, पता भी नहीं लगता। तुम जाग जाओगे तो तुम्हें पता न लगेगा कौन आया था, कौन आया था रात के अंधेरे में जब मैं बेहोश था, जब मुझे कुछ पता नहीं था, और कौन मेरी झोलियां भर गया, कौन इन नियामतों से मुझे नियाज कर गया। ऐसा सतगुरु का प्रसाद होता है। भगवान शिव सतगुरुओं के सतगुरु हैं। भगवान शिव ने जो महत्ता बताई है सतगुरु की, शायद वो कोई ना बता पाए। मैंने पहले भी बहुत बार जिक्र किया है, ये भुशंडी का, भुशंडी बहुत बड़े भक्त हुए हैं भगवान शिव के। भुशंडी के गुरु थे ये आपके शुक्राचार्य, शुक्राचार्य भुशंडी के गुरु थे, बहुत पुरानी बात है। तो एक दफा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि भुशंडी अपने आराध्य देव भगवान शिव के पास आ रहे थे। रास्ते में पास ही भगवान शिव के उनके गुरु खड़े थे, जिनका नाम मैंने तुम्हें बताया, शुक्राचार्य।
शुक्राचार्य उनके गुरु थे और उन्होंने देखा गुरु खड़े हैं, लेकिन सोचा कि मैं तो अपने आराध्य देव भगवान शिव से मिलने जा रहा हूँ, मैं तो भगवान से मिलने जा रहा हूँ, वो सामने बैठे हैं। तो उनकी तरफ लपका और जा करके प्रणाम किया और कहा मुझे आशीर्वाद दो। भगवान शिव क्रोधित हो गए उन्हें देख करके कि मेरे से आशीर्वाद मांगते हो, वो रहा तुम्हारा गुरु, उसको नहीं पहचानते, तुम पास में से गुजर के आए हो और उसको प्रणाम भी नहीं किया, उसका आशीर्वाद भी नहीं लिया, नहीं लिया तो मेरा आशीर्वाद तुम्हें नहीं मिल सकता। इसी बात पे मैं बहुत नाराज़ हूँ तुमसे, तुम मेरे भक्त हो फिर भी मैं बहुत नाराज़ हूँ, और जा तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि तू कौआ बन जाए, काग भुशंडी। उस दिन से उसका नाम सभी पुकारते थे काग भुशंडी, भुशंडी जो कौआ बन गया भगवान शिव के श्राप से। गया था आशीर्वाद लेने, मिला श्राप। फिर वो वापस आया, वापस आकर अपनी गलती का एहसास हुआ कि भगवान कहते तो ठीक है। फिर अपने सतगुरु के चरणों में झुका, रोया, गड़गड़ाया। सतगुरु दया करता है, जो दया करतार के पास भी नहीं है वो सतगुरु के पास है, क्योंकि उसके पास एक हृदय है जो धड़कता है। सतगुरु कुछ भी नहीं, परमात्मा का साकार रूप में समझना चाहिए तभी कुछ मिल सकता है। अगर उसको मनुष्य समझा तो कुछ ना पा पाओगे। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। कबीर साहब बोलते हैं ना, वो लंबा है, गुरु किया है देह को सतगुरु चीना नहीं, कहें कबीर ता दास को तीन ताप भरमाए। तो गुरु शरीर नहीं है, तुमने शरीर समझ के उसको मालाएं पहना दी, तुमने शरीर समझ करके उसको देख लिया नेत्रों से। शरीर तो आज है कल नहीं होगा, लेकिन जो सतगुरु अपने स्वरूप में बैठा है उस शरीर के अंदर, शरीर तो एक कलेवा है, शरीर तो एक कपड़ा है, शरीर तो एक ढकने का सामान है, और जो असल में सतगुरु है, जिसने वो ना पकड़ा, जिसने उसके प्रति झुकना ना सीखा, उसको क्या मिलेगा जगत में। तो वो भुशंडी, काग भुशंडी जाता है सतगुरु के चरणों में, रोता है, पीटता है। सतगुरु दया करता है, कहता चल मेरे पास, मेरे साथ चल। भगवान शिव ने ये किया तेरे साथ, चल। वो माफ करता है, माफ करता, माफ करके उसको वापस ले आता है भगवान शिव के पास। प्रार्थना करता है कि प्रभु इसको क्षमा करो, मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। सतगुरु को खड़ा देख करके भगवान शिव उसको क्षमा कर देते हैं। सतगुरु के पास क्षमा है, दया है। वो बड़े से बड़ा पापी भी है उसको भी क्षमा कर देता है, दया करता है। सतगुरु की सबसे पहली ये पहचान है, सबसे बड़ी पहचान सतगुरु की। तुम मांगते हो कि कैसे पता लगेगा कौन है सतगुरु। सतगुरु वो है जो दया का भंडार है, वो दया का भंडार है।
कर्ता करे न कर सके, कर्ता करे न कर सके, कर्ता करे न कर सके, जो करे सतगुरु, जो सतगुरु कर सकता है वो करतार भी नहीं करने में संभव सफल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका कारण मैंने तुम्हें कई बार बताया, जो परमात्मा है, परमात्मा ने नियमबद्ध किया सारी सृष्टि को कि हर एक इंसान मरेगा, हर एक इंसान पैदा होगा कोख से, हर एक इंसान अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगेगा। अच्छे कर्म है तो अच्छा जीवन मिलेगा, बुरे कर्म है तो बुरा जीवन मिलेगा। ये नियम बन गया अटल उस परवरदिगार का, उस परमात्मा का। वो सबके लिए बराबर है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियो। उसको कोई प्यारा नहीं है, वो किसी के प्रति नफरत नहीं करता है, सब बराबर हैं। जो भक्ति कर रहा है वो भी वही है, जो अभक्ति कर रहा है, जो पाप कर रहा है वो भी बराबर है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यसु अविनश्यन्तम् व्यापश्यति सपश्यति। यही देखने वाला असली इंसान है, जो देखता है सब बराबर है, लेकिन सतगुरु इन सबसे भिन्न है। सतगुरु सबसे भिन्न है। परमात्मा ही रूप धरता है, परमात्मा ही चला आता है किसी के वक्षस्थल में, किसी के हृदय की कंदरा में बैठ जाता है चुपचाप और चलाता है जगत को। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशित, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशित, उपनिषदों का उद्घोष। वही बैठा है भीतर, और सतगुरु में थोड़ा सचेत होके बैठ गया है, देख रहा है, सब देख रहा है, सब देख रहा है। तुमने परमात्मा को देखा नहीं, चखा नहीं, पिया नहीं, स्वाद नहीं लिया। स्वाद तब मिलता है जब तुम किसी कामिल पुरुष, किसी सतगुरु के समीप जाओ, उसका सानिध्य करो, उसका सानिध्य करो तो तुम्हें झलके मिलने लगेंगी, तुम्हें झलके मिलने लगेंगी उस परमात्मा की। क्योंकि उसके पास सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है। वो स्वयं एक तुम्हारे ही रूप में आके बैठ गया है। वो परमात्मा स्वयं शरीर धारण करके तुम्हारे जैसा शरीर, तुम्हारे ही तरह की कोख से पैदा होकर के चला आया है, तुम्हारे भीतर रोता है, खपता है, बैठता है, उठता है, चलता है, तपता है, बीमार होता है, लाचार होता है, तुम्हारी तरह, कुछ भिन्न नहीं है, कुछ भिन्न नहीं है। जहाँ तुमने उसको पहचान लिया, जहाँ तुमने उसको पकड़ लिया, समझो तुम्हारे सब कष्ट कटे सदा सदा के लिए। तुम्हारे सब सुख उतर आए सदा सदा के लिए। जहां तुमने ये किया, जहां एक पल पे नहीं लगता, अरे आंख झपकते ये क्रिया कट जाती है, ये घटना सुघटना है, ये तुरंत घटती है, इसको कोई समय नहीं लगता है। तुम भक्तियों में पड़े हुए हो,
शक्तियां बटोरने की बात कर रहे हो। देखो, तुम देखते हो ना आसपास, और भी कहीं देखा होगा, लोगों में शक्तियां बहुत है, बहुत शक्तिवान है। कोई आया मेरे पास, महाराज जी मुझे शक्तियां चाहिए, शक्तियां चाहिए। देखो, एक चीज मांग लो, दो इकट्ठी नहीं होंगी। या तो शक्ति मांग लो या भक्ति मांग लो। जहां भक्ति है वहां भगवान है, जहां शक्ति है वहां संसार है, वहां सारा संसार है। शक्तियों से तुम कुछ भी घटना घटा सकते हो, शक्तियों से तुम कुछ भी पैदा कर सकते हो, कुछ भी मार सकते हो। शक्तियों से तुम सारी दुनिया को प्रभावित कर सकते हो। लोग कर रहे हैं, वो शक्तियाँ कोई मसनूई नहीं है, वो शक्तियाँ असल में हैं। वो शक्तियाँ आती हैं ज्ञान मार्ग पर, वो शक्तियाँ मिलती हैं कर्म मार्ग पर। कर्म योग में, वे ज्ञान योग में अगर तुम अग्रसर हो तो शक्तियों का आना स्वाभाविक है। लेकिन परमात्मा ना मिलेगा, दुख ना जाएगा, वो आनंद ना उतरेगा, वो जो परमानंद है वो ना उतरेगा। फिर भी जूझते रहोगे संसार से, फिर भी जूझते रहोगे, सुख और दुख के बीच में डोलते रहोगे। अगर इस सब झंझट से पार होना चाहते हो सदा सदा के लिए, सदा सदा के लिए अमृतत्व को प्राप्त होना चाहते हो, उस परम आनंद में डूबना चाहते हो, उस परमात्मा से मिलना चाहते हो, एक ही बात है, तो तुम्हारे लिए भक्ति के सिवा कुछ नहीं है। छोड़ो ज्ञान, छोड़ो कर्म, सब छोड़ दो। जिसकी भक्ति सिद्ध है उसके लिए ज्ञान मार्ग भी सिद्ध हो गया, कर्म मार्ग भी सिद्ध हो गया, सब सिद्ध हो गया। भक्ति, केवल भक्ति, केवल भक्ति। सतगुरु की यही पहचान है। अगर वो अभी भी कर्मों में खोया है और ज्ञान बटोर रहा है, किताबी है, तो काम ना चलेगा। तो तुम्हारे में भी शक्तियाँ आ सकती हैं, और पहले से ज़्यादा शक्ति वाले बन जाओगे। लेकिन वो परम की प्राप्ति ना होगी, कभी ना होगी, क्योंकि यही चीज़ें रुकावट बन जाती हैं परमात्मा के मिलन में। और जिसको वो मिल गया, वो परवरदिगार के दर्शन हो गए। मैंने कहा उसका दुख सदा सदा के लिए विनाश को प्राप्त हुआ, उसके दुख बचते नहीं और सुख बरसने लगता है। ये हमारी नीरजा ने गाया ना अभी आपके सामने, नीरजा पंडित ने, रंग रंग बरसे, रंगों की बात की, रंग बरसे। रंग कहाँ से बरसता है? अगर आकाश से भी रंग बरसेगा तो वो टेम्परेरी होगा, वो थोड़े समय के लिए होगा। थोड़ी सी सूरज की रोशनी पड़ेगी, वो सब उड़ जाएगा, या वैसे धुल जाएगा बारिश में। वो कच्चे रंग हैं, जितने भी रंग पड़ते हैं तुम्हारे ऊपर। जब सतगुरु अपना रंग डालता है तो वो सदा सदा के लिए होता है, वो पक्का होता है। वो उसको हमने, उस रस को हमने रंग नहीं कहा है, उसको हमने अमीरस कहा है। अमीरस बरसे हम भीजें, अमीरस बरसे हम भीजें,
हर सत्संग में अमीरस बरसता है। सत्संग में आना क्यों जरूरी है? तुम ना आओ, मैं ज्यादा खुश हूं क्योंकि मुझे आराम मिलेगा, लेकिन तुम आ जाते हो तो तुम्हारे कारण माँ कहती आए हैं आए हैं, बाहर चलना होगा। तो ये मुझे इनका हुक्म तो मैं टाल नहीं ना सकता, तो माँ का हुक्म है, माँ का हुक्म कौन टाल सकता है? परमात्मा भी ना टाल सका। तो मैं चला आता हूँ तुम्हारे पास, लेकिन सत्संग में वो घटनाएं घटती हैं जो कभी भी नहीं कहीं घट सकती। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? मेरा ही मानना नहीं है, तुम्हारे शास्त्रों और उपनिषदों का ही प्रमाण नहीं है। हर धर्म की मान्यता को आगे रख करके मैं बोल रहा हूँ, हर धर्मों का निचोड़ अपने सामने रख करके बोल रहा हूं कि हर सत्संग में जहां सत्संग है, सत का संग है, जहां उस हर संग सत्संग में सब बड़े बड़े शक्तियां लिए हुए महात्मा संत, परम संत, परमात्मा संत और देवी देवता सारे परमहंस सारे उतर करके बैठे होते हैं तुम्हारे बीच में। सत्संग जब चलता है तुम ही नहीं सुनते हो, कायनात सुनती है, आकाश सुनता है, वो तुम पर आशीर्वाद बरसाता है। उनका आशीर्वाद तुम्हें मिलता है। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया, कितनी बार समझाया, मेरा बस चले तो मैं ये टिन उठा दूं, लेकिन ये तुम्हारे लिए लगाई है, तुम्हें छाया रहे, तुम्हें वर्षा से सुरक्षा मिले, उसके बरसने में कोई भी रुकावट नहीं है। तुम कितनी छतें डाल दो, वो बरसता है, तुम्हारे कमरे के अंदर आकर के बरसता है जब वो बरसता है। और वो बरसता है तो बस फिर बरसात है, फिर बरसात है, फिर बहारें हैं, फिर कलियां खिलने लगती हैं, फिर फूल महकने लगते हैं, फिर चिड़ियां परिंदे सब चहकने लगते हैं, फिर तुम्हारी मुरझाई हुई बगिया भी खिलने लगती है, तुम्हारी मुरझाई हुई बगिया भी खिलने लगती है। क्या बात है, क्या आनंद होगा, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। आनंद परमानंदा सबोदस्त्वम सुखम चर, आनंद परमानंदा सबोदस्त्वम सुखम चर, कोई भी दुख में न रहे, सब सुख में हो, सब सुख में हो, सदा सुख में हो। पार्वती भगवान अपने भगवान शिव से पूछती हैं, जो सारे जगत के भगवान हैं उनसे पूछती हैं, आप गुरु की महिमा क्यों गाते रहते हो? भगवान तो आप हो, आप भगवान हो, सबके भगवान हो, जगत के भगवान हो,
सारी सृष्टियां आपको पूजती हैं, तो आप, लेकिन मैं हैरान होती हूँ जब देखती हूँ कि आप गुरु की महिमा गाते रहते हो और लोगों को भी यही समझाते रहते हो। तो फिर भगवान शिव गुरु की महिमा पर थोड़े से छींटे डालते हैं। महिमा कही नहीं जा सकती, महिमा बताई नहीं जा सकती, गाई नहीं जा सकती। किस मुख से तेरी महिमा गाऊं? तू सतपुरुष अविनाशी है, सतगुरु सतपुरुष है और अविनाशी तत्व है, उसका कोई नाश नहीं है, वो कभी नहीं जाता। ना दाता दयाल गया, ना परम दयाल गया, ना कोई दूसरा दयाल गया, नहीं जाता। कोई जाता है, कभी ना गया। जो राम को सोचते हैं कभी हुआ था चला गया, वो भयंकर भूल कर रहे हैं, भयंकर भूल कर। उनको राम से भी कुछ ना प्राप्त होगा। जो कृष्ण को सोचते हैं कि 5,000 साल पहले हुआ होगा, आज कहाँ कृष्ण, आज उसकी बांसुरी कहाँ, आज उसकी सखियाँ, वो सब कहाँ, वो गायें कहाँ, जो उसकी बांसुरी पर मुग्ध होकर के नाचती थी, ना आज सब है, तुम देख नहीं पा रहे, तुम देख नहीं पा रहे। तुम्हारे अगर मोतिया बिंद उतरा आया है तो कसूर किसका है? वो तो आज भी है, वो बांसुरी की धुन तुम आज भी सुन सकते हो, उसके दर्शन आज भी कर सकते हो। जब जब परमात्मा किसी साकार रूप में उतरा है, वो कभी नहीं मरा है। न जायते मरियते वा कदाचन, नायं भूत्वा भविता वन भूया, अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराणो न अन्यते अन्यमाने शरीरे। बार बार मैंने बोला है ना, शरीर को मार सकते हो, काट सकते हो, फना कर सकते हो, क्योंकि ये भौतिक है, क्योंकि ये सांसारिक है, क्योंकि ये शय है और हर शय का विनाश होता है। जो दिसे सो सकल विनाशे, जो भी दिखाई देता है वो हर को विनाश को प्राप्त होता है। लेकिन सतगुरु शरीर नहीं है, सतगुरु शरीर नहीं है, वो तो परमात्मा सत्ता है, उसका विनाश कैसे हो सकता है? सारी सृष्टियां विनाश को प्राप्त हो जाएं, तो भी उस विनाश लीला में वो खड़ा है, तो भी वो रहेगा। अगर तुमने किसी को सच्चे हृदय से और पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से सतगुरु अपनाया है, तो तुम्हारा सतगुरु कभी ना मरेगा। किसी भूचाल में ना मरेगा, किसी तूफान में ना मरेगा, किसी आंधी में ना जाएगा उड़ करके यहाँ से दूर, तुम्हारे से दूर कभी ना होगा ऐसा। क्योंकि वो सनातन सत्ता है, वो सनातन सत्ता है ना। तो पूछा है पार्वती ने अपने आराध्य देव भगवान शिव से कि आप क्यों ऐसा करते हो, गुरु की महिमा, अरे आपके होते हुए कौन गुरु, आपके होते हुए कौन गुरु,
अब कोई आके कहे मैं गुरु माँ हूँ, लोगों ने कहा कईयों ने, मैंने कहा गुरु माँ तो ये रही, अरे गुरु माँ के होते हुए कौन गुरु माँ हो सकता है और कौन हो सकता है, है? बहुत दुनिया ने स्वांग किया गुरु माँ बनने का। मैं हंसता हूँ उनकी मूर्खता पर। एक ही है एकत्वम अनुपश्यता, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्ही को दोजख जिन नहान पहचाना। दो है नहीं, दो में लड़ाई है झगड़ा है, दो में कला है, दो में विनाश है, दो में बीमारी है लाचारी है, दो में घाटा है, दो में इंसान को ठोकरें मिलती हैं। दो है नहीं एक है, जिसने उस एक को ही देखा सब में एक को ही देखा और दूसरा दिखाई न दिया, वो पहुंच गया, उसने मंजिल को पा लिया। वो सिद्ध पुरुष भी है, वो साधु भी है, वो संत भी है, वो परम संत भी है, उसी को दिखाई देता है। जिसने उसको देख लिया, अरे तुम किसी पे क्रोध कैसे कर सकते हो? अगर ये दृष्टि है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यसु अविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति। जिसने ऐसा देखा उसी ने ठीक देखा, बाकी सब गलत, सारी दुनिया गलत। सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम किया करो। अगर क्रोध करोगे तो तुम अपना विनाश करोगे। क्रोध करना तो तुम्हारे लिए एक प्रकार से निषिद्ध और पूर्ण रूप से बैंड होना चाहिए, पूरी तरह से बैंड। तुम कर कैसे सकते हो? परमात्मा के देश में, उसके प्रदेश में, उसकी जनता में, उसके बनाए हुए जीवों में, जहां वो बैठा है खुद, तुम द्वेष कैसे कर सकते हो? अद्वैष्टा सर्वभूता नाम नामे प्रियोसी नंद्वैष्टा, अद्वैष्टा सर्वभूता नाम विद्धि पार्थ सनातनम्, अद्वैष्टा सर्वभूता नाम मैत्रः करुण एव च। किसी से द्वेष नहीं, किसी पे दोषारोपण नहीं। सुबह से शाम तक मेरे पास भी आकर के दोषारोपण करते हो, उंगली दूसरे की तरफ है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ठीक नहीं किया, उसने वो नहीं किया। जो कहता है उसने ठीक नहीं किया, तुम्हें पता वो कितना जुल्म कर रहा है अपने ऊपर? उस पर तो क्या करेगा, अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। मुझे तरस आता है कि तुम अपने आप को गाली दे रहे हो, तुम बचोगे नहीं। मुझे डर लगने लगता है जो आदमी दूसरे के प्रति घृणा प्रकट करता है, द्वेष प्रकट करता है, झगड़ा प्रकट करता है, लड़ाई हो गई है, तुम अच्छा नहीं समझते दूसरे को, बस वहीं तुमने अपनी कब्र खोद ली, वहीं तुम्हारा अपना विनाश शुरू हो गया। अब सतगुरु देख रहा है, क्या करे वो, देखने के सिवा क्या करे, बचाने की कोशिश करता है कि ये बच जाए आदमी। लेकिन 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 रहता है। क्यों अपने दुश्मन बने हुए हो? मैंने तुमसे बहुत बार प्रतिज्ञाएं ली,
बहुतों ने उन प्रतिज्ञाओं को पालने का प्रयास किया, केवल प्रयास किया। बहुत कम एकाध हैं जिन्होंने उस प्रतिज्ञा पर अमल किया, चल रहे हैं। क्या क्या प्रतिज्ञाएं, किस लिए लूं प्रतिज्ञाएं, तुम्हें पता नहीं है कि सच बोलना है, सत्य है। तुम कहते हो कि गुरु माँ जो बोलती हैं वो हो जाता है, तुम्हारे में भी ये शक्ति है, तुम जो बोलो वो हो सकता है, जो बोलोगे वो होगा, इसलिए सोच समझ के बोलना। अगर तुम, मैंने तुम्हें पीछे भी कहा था कई बार कि अगर तुम केवल 3 महीने, ज़्यादा नहीं 3 महीने, सच सोचो, सच बोलो, सच कहो और सच का ही आचरण करो दिन रात, सच्चाई के सिवा कुछ ना हो तुम्हारे जीवन में, तो तुम स्वयं जो बोलोगे वो तुरंत घटना घटेगी, घटनी चाहिए, ये नियम है जगत का। तुम जो बोल दोगे वो हो जाएगा, तुम्हारे में इतनी शक्तियां हैं, हर एक में हैं, लेकिन तुम जानबूझ के अपने आप को कुंठित कर रहे हो, दिन रात कुंठित करते जा रहे हो। और मुझे दुख होता है कि इतना बड़ा खजाना मिला हुआ तुम उसको भी बर्बाद करते जा रहे हो, बर्बाद करते जा रहे, धीरे धीरे सब बर्बाद होता जा रहा है। अब सच बोलने में तुम्हें मज़ा आएगा, आसानी होगी, तुम्हारी तकलीफ कम कर रहा हूँ, तुम्हारे कंधों के जो बोझे हैं उनको उतार के अपने सिर पे ले रहा हूँ, तुम्हें फिर भी मंजूर नहीं है, तुम फिर भी नहीं सोचते हो कि ये ठीक है, छोड़ दो, फांसी हो जाएगी, होने दो। अरे फिर क्या, तुम मरोगे थोड़ा, कोई नहीं मरता, कोई नहीं मरता, तुम्हें क्या हो सकता है, फांसी हो जाएगी सच बोल के, क्या होगा, आकाश गिर जाएगा, सो व्हाट, हजारों बार आकाश गिरे हैं, लाखों बार, करोड़ों बार फांसियां हुई हैं, तो एक और फांसी हो गई तो क्या हो गया, कुछ ना हुआ। तुम सत्य का आश्रय अगर लोगे तो तुम्हारा अपना जीवन इतना उज्जवल हो जाएगा, इतना शक्तिवान हो जाएगा कि तुम्हें किसी दरगाह पे झुकने की जरूरत ना रहेगी। छोटी सी बात, वो नहीं समझ में आती, अपने फायदे की बात समझ में नहीं आती इंसान के, इतना कुंठित हो गया हृदय, इतना पाषाण हो गया भीतर से। इसके साथ साथ क्षमा, क्षमा, आज मैंने क्षमा की थोड़ी सी बात की है, पहले सत्संगों में मैं बहुत बोल चुका क्षमा पर। क्षमा जैसा कुछ भी हथियार तुम्हारे हाथ में नहीं है, बड़े से बड़ा हथियार है, बहुत बड़ी ताकत है, तुम ताकत चाहते हो, मैं कहता हूँ क्षमा करो। क्षमा करो, जहाँ क्षमा होती है वहाँ परमात्मा होता है, तुम कहाँ ढूंढने जाते हो उसको, इधर क्रूर बने हुए हो, इधर बदमाश बने हुए हो, इधर लोगों को ताड़ना दे करते हो, उधर परमात्मा की खोज लगी हुई है, परमात्मा ना मिलेगा। कोमल चित्त दया मन धारो, फिर परमार्थ की खोज लगाना। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जिसके चित्त में कोमलता नहीं है, जो क्षमा नहीं कर सकता दूसरे को, वो परमात्मा को कैसे पाएगा। जो क्षमा करता है वो परमात्मा के बहुत पास सरकाता है, परमात्मा स्वयं ही उसके पास चला आता है। बड़े से बड़े अपराध को भी क्षमा करो,
कोई महावीर के मुंह पर थूक जाता है, बुद्ध के चेहरे पर, कोई महावीर के कानों में कीलें गाड़ जाता है, महावीर कहते हैं और कुछ को आंखें खोलते हैं और आंखें दया से भरी हुई, आंखों में क्षमा। तुम्हें इंसान की आंखें देख करके पता लग जाता है कि ये क्रोध में है, ये मुझे गुस्से से देख रहा है, या ये दया से प्रेम से देख रहा है। दया करो, और दया तभी कर सकोगे अगर क्षमा करना सीखो। क्षमा कर दो, बड़े से बड़े नुकसान को भी क्षमा कर दो। क्या करोगे, क्या कहाँ ले जाओगे? नुकसान तुम्हारा तो हुआ नहीं, क्योंकि तुम्हारा है कुछ नहीं। तुम क्या लाए थे और क्या ले जाओगे? ना पीछे से कुछ लेके आए हो, ना लेके जाना है। खाली तुम्हारे हाथ पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। भरते जाओ तिजोरियां अपनियां, फिर भी हाथ खाली रहेंगे। हर एक इंसान के हाथ खाली हैं, इसको क्यों नहीं समझते? इसलिए क्षमा। कोई तुम्हारा नुकसान कर गया, किसी ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, अब तुम या तो उसको गालियां देते रहो बैठ के, या बदला लो उसके साथ, या क्षमा कर दो उसको। क्षमा में शक्ति जितनी है वो तुम जानते नहीं हो। तुम अगर कुछ समय, थोड़ा सा समय क्षमा करने लगो हर एक इंसान को, चाहे वो कितना भी बुरा है, तो बड़ी जल्दी पाओगे कि तो नई शक्ति से भरने लगे। एक नई शक्ति जो परमात्मा शक्ति है और जिसको तुमने पहले जाना नहीं कभी, ऐसी शक्तियां तुम्हारे में आने लगी। क्षमा अर्थात परमात्मा, दया अर्थात परमात्मा। खोजते हो परमात्मा को, किन समाधियों में बैठ के खोज रहे हो परमात्मा को? तो भगवान शिव ने पार्वती को यही जवाब दिया। उसने कहा कि सतगुरु की बराबरी परमात्मा भी नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा की किताब में इंसाफ है, वो इंसाफ करता है। बुरा किया है तो बुरा भोगोगे, अच्छा किया तो अच्छा भोगोगे। ये नियम से पृथ्वी चल रही है, ये तारे चल रहे हैं, ये आकाश चल रहे हैं, ये सृष्टियां चल रही हैं, नियम है। और जो नियम को तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी। सीधा 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 गणित है। लेकिन सतगुरु कहता है माफ, ये भी माफ, ये भी माफ, ये भी माफ, क्षमा, सब क्षमा। गलतियों पे गलतियां करता है इंसान और क्षमा। एक औरत को मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात बताता हूं। उसका सिर्फ नाम बताऊंगा, उसका नाम है प्रज्ञावती। प्रज्ञावती वो अब तो शरीर में नहीं है, वो बहुत बड़ी भक्त थी भगवान शिव की।
बहुत बड़ी भक्त थी, भगवान शिव के मंदिर में बैठी रहती थी। एक दिन एक डाकू था, चोर था, वो भेष बदल के, साधु का भेष बदल के आ गया और उसको कहने लगा कि क्या चाहिए बच्चा, मैं सो कर दूँगा। वो उसने देखा प्रज्ञावती ने कि ये कोई भद्र पुरुष है, कोई संत है, कोई परम संत है, मैं तो धन्य हो गई। तो कहने लगी मैं धन्य हो गई आपके दर्शन करके, आइए विराजिए बैठिए। बैठाया उनको, जो भी मंदिर में था उसके द्वारा उनकी सेवा की, उनकी पूजा की। सतगुरु आया है, था वो चोर लेकिन भेष बदल के आया है। तो बाद में वो कहने लगे बेटे मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, बताओ तुझे क्या चाहिए। और वो लड़की ने कहा, उस वक्त लड़की थी वो बेचारी, उसने कहा कि मुझे नामदान चाहिए आपसे महाराज जी। तो इसने डाकू जो बना हुआ था संत, उसने कहा ठीक है हम नामदान देंगे तुम्हें ज़रूर, फलां फलां जगह हमारी छावनी है, वो उस एकांत में, हम एकांत में देते हैं, सबके सामने नहीं देते हैं ये नामदान, तुम वहाँ चली आना। तो वो बड़ी धनाढ्य थी वो देवी, बहुत बड़े संपन्न परिवार से है, सब कुछ है उसके पास। तो वो जाते जाते कहने लगा कि लेकिन मेरे पास आना अकेले, और मैं तुम्हें नामदान दे दूँगा लेकिन अपने सारे जेवर, अपने सारे गहने, अपने जो भी डायमंड, जो भी ज्वेलरी तुम्हारे पास है और कीमती चीज़ें हैं वो लेके आना साथ। तो वो देवी ने कहा कि ठीक है जैसे आपका हुक्म है। वो सब सामान अपना लेके साथ चली गई, सब हीरे जवाहरात जो भी उसके पास महंगे से महंगा था वो उसने उसका सामान तैयार किया और साथ लेके पहुंच गई जब बुलाया था जिस दिन। वो चोर था, डाकू था, संत नहीं था, उसने सब उसका माल लूट लिया और लूट करके उसको कहा अब जा तू अपने मंदिर में जा कर पूजा कर, जैसी यही मेरा नामदान है। वो आ गई वापस, किसी से शिकायत नहीं की उसने, आकर के बैठ गई मंदिर में, उसी तरह से उसकी पूजा चलती रही। फिर दूसरे दिन वो फिर आए डाकू, वो कहने लगे कि तेरे दिल में मैंने देखा है कि बहुत खोट है, तू शिकायत करने जाएगी कि मैंने तेरा धन मन सारा ले लिया। तो देवी कहने लगी कि महाराज ये धन तो कुछ भी नहीं, मैंने सब समर्पण कर दिया आपको और मेरा कुछ भी नहीं बचा, शिकायत का मतलब भी नहीं कहीं। कहने लगे लेकिन हमें यकीन नहीं है, हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ के जाएंगे, हम तुम्हें बांध देंगे इस पेड़ के साथ। तो उन्होंने रस्सा एक बहुत लंबा था उससे हाथ भी बांधे, पैर भी बांधे और वो पेड़ के साथ बांध के चले गए। अब वो बंदी है वहाँ, कुछ नहीं कर सकती, वो खोलने की कोशिश भी नहीं कर रही अपने आप को, बंदी है। थोड़े समय बाद पता लगा माँ बाप को कि आई नहीं वापस, तो वो आए उसको ढूंढते ढूंढते मंदिर में, देखा वो तो बंदी है।
पेड़ के साथ, तो खोलने लगे। उसने कहा नहीं खोलना, मुझे नहीं खोलना, मेरे सतगुरु बांध के गए हैं, मुझे नहीं खोलना, रस्सा वही आके खोलेंगे, अगर वो आए तो, ना आए तो मैं बंधी हूँ यहाँ। वो उसने बड़ा डांट डाला अपने माँ बाप को भी, जो सगे संबंधी साथ आए थे, वो बेचारे चले गए। बड़ी शिकायत हुई उनको, जाकर के पुलिस को शिकायत की उन्होंने। पुलिस कहती ठीक है देखते हैं। इतनी देर में वहाँ पर वो चले आए, ये जो नारद जी हैं, नारद जी सब जगह घूमते हैं सारी सृष्टि में, तो उन्होंने देखा कि हमारे भगवान की सबसे प्यारी सबसे अच्छी भक्तन बंदी पड़ी है। तो कहने लगे उसको कन्या को कि हम तुम्हें खोल देते हैं, हम नारद मुनि हैं। कन्या ने नारद को प्रणाम किया, ऐसे ही सिर से हाथ बंधे थे, पैर बंधे थे। उसने कहा ना नारद जी, आपने बड़ी कृपा की, दर्शन दिए, मैं धन्य हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, ये नहीं खोल सकते आप, क्योंकि ये मेरे सतगुरु ने बांधा है मुझे। वो नारद जी बोले किसको सतगुरु कह रही हो, वो जो चोर और डाकू है और वो तुम्हें लूट के ले गया और तुम उसको सतगुरु कह रही हो, मैं, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने उनको सतगुरु माना है, मैंने उनसे नाम दान लिया है, अब मैं खुलूंगी तो वही आके खोलेंगे, आप मुझे नहीं खोल सकते। नारद जी चले गए। नारद जी ने जाके भगवान शिव से कहा कि आपकी एक भक्तन वहाँ पर ऐसे बंधी पड़ी है, वो मानती नहीं है। तो भगवान शिव उठे कि मैं जाता, भगवान शिव आए। इस कन्या ने कहा हे प्रभु, आपके लिए तो मैं भक्ति करती थी, आपने दर्शन दे दिए, मेरा काम हो गया, लेकिन ये नहीं खोल सकते आप, ये मेरा सतगुरु ही खोलेगा। जिस वो कहने लगे किसको सतगुरु, अरे वो नालायक, वो चोर, वो डाकू, वो निकम्मा इंसान, उसको तुमने सतगुरु बनाया है, गलत, मैं कहता हूँ, मैं खोल रहा हूँ तुम्हें, छोड़ उसको, इस झंझट को, मैंने तुम्हें दर्शन दे दिए, मेरे लिए तरस रही थी ना। तो वो कन्या कहती है महाराज आपके लिए ही मैं भक्ति कर रही थी, आपने दर्शन दे दिए, लेकिन मेरे गुरु के कारण, मेरा गुरु ना होता तो आप दर्शन देने ना मुझे आते, उसने मुझे बांधा, जैसा भी है वो, जैसा भी है, निकम्मा है, चोर है, डाकू है, कातल है, लोगों को मारता है, पीटता है, जैसा भी है, लेकिन उसके बरखिलाफ मैं कुछ नहीं सुन सकती आपसे, वो मेरा सतगुरु है, मैं आपसे नहीं खुलूंगी, वही आएगा तो खोलेगा। भगवान कथा कहती है, ये कथा नहीं है, ये उस औरत की कहानी है जिसको मैं मिला हुआ हूँ, जिसको मैंने देखा हुआ है, जिसकी कहानी मुझे पता है, जिसकी जीवन कथा मुझे मेरे सामने है, और वो भगवान ऐसी मति देती है उस डाकू और जो संत बना हुआ है उसको, कि वो वहाँ से उठता है, उठ करके जाता है, खोलता है और उस देवी के चरणों में गिर जाता है।
कि मैं नहीं आपका गुरु, आप मेरे गुरु हो। मेरे गुरु आप हो देवी, मैं आपका गुरु नहीं हूँ। वो देवी कहती है, नहीं सतगुरु, तुम ही तारने वाले हो, तुम्ही ने मुझे मंजिल पे पहुँचाया। ये ऐसी कितनी ही बातें याद आती हैं जब मैं ऐसे किस्से देखने लगता हूँ अपने जीवन में। बहुत कथाएँ हैं, उससे एक ही बात साबित होती है कि एक ही साधे सब सधे, सब सधे सब जाए। एक को पकड़ो, किसको पकड़ते हो ये मत सोचने लगो, तौलने मत लगो कौन बड़ा कौन छोटा। ये मत सोचो कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? तुमने जिसको मान लिया उसको मान लिया, उसको आखिरी दम तक मानो तो तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। आखिरी दम तक मानो। तुमने क्या जाना जिसको तुम गुरु समझते हो, उसका तुम क्या जानते हो, क्या जानते हो? डॉक्टर राधा कृष्ण ने एक बार कहा था हमसे कि वो चूंकि साउथ से थे इसलिए इंग्लिश में बात करते थे, एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। हर संत का भूत होता है, भूतकाल होता है। उसमें उसने क्या क्या किया तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता? वाल्मीकि भय ब्रह्म ज्ञाना, उल्टा जाप करी वाल्मीकि भय ब्रह्म ज्ञाना। राम राम नहीं मरा मरा करते हुए वो पा गए, उनको ब्रह्म ज्ञानी कहा गया जो हत्याएं करते थे। ऐसे कितने किस्से हैं, कहानियां हैं। तुलसीदास जी को देख लो, सूरदास जी को देख लो, करते 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 क्राइम करते करते जुर्म करते 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 परमात्मा के चरणों में गिरे, परमात्मा को पा गए। संत का भूत तुम नहीं जानते हो इसलिए उसको जज ना करो, क्या पता वो खोटा है कि खरा है। और फिर एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। तुमने कितना भी पाप किया हुआ हो लेकिन भविष्य तुम्हारे लिए खुला है, तुम मुक्त हो सकते हो, तुम आज़ाद हो सकते हो, तुम परमात्मा को पा सकते हो कितने भी पाप किए हो। पापी से पापी इंसान परमात्मा को पा सकता है क्योंकि तुम उसकी संतान हो। परमात्मा की नज़र में कोई पापी नहीं है, कोई पुण्यात्मा नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् तुम परमेश्वरम। उसने नहीं फर्क डाला ना 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 बुरे में ना अच्छे में फर्क नहीं डाला। आपने एक कभी यहाँ शब्द गुनगुनाया था, गाया था, निर्जा ने निर्जा पंडित ने, कि उसने मुश्किलें बहुत हैं, बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन कितनी भी बड़ी मुश्किलें हों मुश्किलों से कह दो कि मेरा गुरु बड़ा है, मेरा सतगुरु बड़ा है। ये गाया था ना आपने, किससे मुकाबला कर रहे हो?
मुश्किलें तुम्हारी अपनी बनाई हुई, और उधर सतगुरु, मेरा सतगुरु बड़ा है मुश्किलों से, कह दो तुम्हें मुश्किलों को कहना नहीं पड़ेगा। अगर तेरा सतगुरु है तो मुश्किलें होंगी ही नहीं, मुश्किलें खड़ी कहाँ रहेंगी है? मुश्किलें खड़ी होंगी तेरे आगे तो कहोगे ना कि मेरा गुरु बड़ा है। ये बड़े छोटे के चक्कर से बचो, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब बराबर है, क्योंकि सब में परमात्मा बराबर विराजमान है, एक जैसा होके बैठा है। इसलिए जो सम दृष्टि रखते हैं, जो योग दृष्टि रखते हैं, जो दृढ़ निश्चय है, दृढ़ निश्चय, और जो अपने स्वर में स्थित हैं, स्थित प्रज्ञ हैं। पूछा ना अर्जुन ने, स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा, कैसे पता लगे कौन है स्थित प्रज्ञ, कैसे पता लगे कौन है संत। ये हमेशा से बात रही है, हमेशा से बात रही है। इसका क्यों सवाल उठाते हो तुम? बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है, बड़ा छोटा कहा है? अरे तुम्हारे पास सतगुरु है तो मुश्किलें तो क्या, तुम्हारी आने वाली तकलीफें भी गायब हो जाएंगी। सतगुरु की महिमा तो गाते 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 तुम्हारा जीवन बीत जाएगा, गाई न जाएगी। इसीलिए कह दिया ना कि किस मुख से तेरी महिमा गाऊं ना, सतगुरु की महिमा नहीं गाई जा सकती। परमात्मा की महिमा फिर भी गाई जा सकती है, क्योंकि वो सब सीमा में चल रहा है। जहाँ सतगुरु आ गया वहाँ परमात्मा स्वयं पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वही विराजमान है उसमें। तुम पकड़ नहीं सकते मुझको, परमात्मा कहता है, तुम देख नहीं सकते मुझको, तुम गुफ्तगू नहीं कर सकते मेरे से, तुम मेरे से बातचीत नहीं अपनी कर सकते, दिल नहीं खोल सकते, तो लो मैं तुम्हारी तरह बन के आ जाता हूँ। मैं तुम्हारी तरह ही बन के आ गया, तुम्हारी तरह ही। तुम शायद ज़्यादा सुंदर हो गए मेरे से, मैं आ गया, फिर भी मैं आ गया। किसी भी रूप में वो आ जाता है, सब रूप उसके हैं, वो कोई भी रूप धारण कर ले। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म, परब्रह्म ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा जी एक शक्ति है परमात्मा की, ब्रह्म वो सनातन सत्ता है, परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, भगवान शिव ने पार्वती को कहा। मैं क्यों ना नमस्कार करूँ उसको, मैं क्यों ना उसकी गाथा गाऊँ, क्योंकि वो गुरु विष्णु भी है, वो शिव भी है, महाशिव भी है, महेश्वर भी है, और वो ब्रह्मा भी है, और उससे भी परे है। इन सब के होते हुए, इन शक्तियों के होते हुए वो इनसे भी न्यारा है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ, उसके आगे झुक रहा हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ना होता तो परमात्मा का पता ही न लगता, तो तो उसकी खबर देने आता है वो, अपनी ही खबर देने, अपने ही भेष बदल के आता है, अपना ही पता बताने आता है वो, अपने ही एक रूप में। क्या कहोगे उसको? वो ना होता तो रास्ता न मिलता, वो ना होता तो मार्ग कौन दिखाता, वो ना होता तो प्रकाश ना होता, वो ना होता तो संसार कैसा होता, हम ना होते, वो ना होता तो हम ना होते, वो कहता है ना ध्रुत, जो सतगुरु की सेवा में रत है, कहता है महाराज, सतगुरु महाराज, आप ना होते तो मैं ना होता, आपके होने का ही अर्थ है कि सारा संसार है, सब है, सब चल रहा है, ये जमीन चल रही है, आसमान चल रहा है, तारागण चल रहे है, उसी के कारण वो एक सत्ता, परमात्मा सत्ता, सतगुरु स्वरूप परमात्मा सत्ता, वो सतगुरु और वो श्री ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम विश्वातीतम गगन सदृशम तत्मस्यादि लक्ष्यम, वो ही तो रास्ता दिखाता है, वही तो राहगीर बन गया तुम्हारा, वही तो रोशनी लिए खड़ा है तुम्हारी इंतजार में कि कब तुम आओ, मैं तुम्हें ले चलूं, मैं तुम्हें ले चलूं उस लोक में, उस लोक में हूँ वासी उस देश के, जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया वले अगम का बिन बाती बिन तेल, वो प्रदेश बड़ा प्यारा है, वो सदा है, ये देश तो आए और गए, तुम आए और गए, ये वो देश तो अपना है, सदा से है, वहीं से आए हो, वहीं जाना है, वहीं जाना है, चैन बीच में नहीं है, चैन वहीं जाके मिलेगा, परम शांति वहीं जाके मिलेगी जहाँ से आए हो, जीते जी इस शरीर में रहते हुए वहाँ जाना है, शरीर में रहते हुए, शरीर से मोह हो जाता है ना, शरीर को छोड़ना नहीं चाहता कोई भी, क्योंकि इसके साथ एक तादात्म हो जाता है, तुम रुमाल रखते हो जेब में, उसके साथ मोह पड़ जाता है, वो कहीं गुम हो जाता है तो बेचैन हो जाता है, मेरा रुमाल था यहाँ, मेरा रुमाल था यहाँ, रुमाल के प्रति आकर्षण है, तो शरीर जिसको दिन रात ढो रहे हो तुम, जो कवच बना के अपना रखा हुआ जिसको श्रृंगार करते हो, उसके प्रति मोह क्यों नहीं है? बहुत भारी मोह है, उसी मोह के कारण तो कोई इंसान विदा नहीं होना चाहता इस धरती से, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि इसी शरीर के साथ तुम वहां जाओगे, इसी शरीर के रहते हुए वहां पहुंचना है, माँ कहती है सब त्रिशंकु बन, जब माँ बन जाएंगे, त्रिशंकु बन जाएंगे, त्रिशंकु, त्रिशंकु जानते हो ना, त्रिशंकु कौन था? एक राजा था त्रिशंकु, और
आ गया खाना भोजन सबसे। लो लो ऐसे 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 बस हो गया, मैं लड्डू भी खा लिया। फिर मैं बंद करता हूँ क्योंकि अब भोजन आ गया। भोजन लेना है सबने। ये बैठे ये सोच रहे हैं कि मैंने इनका नाम नहीं लिया। सबका लिया, इनका नहीं लिया। ये सब जो नाम मैंने लिए ये बेकार है इनके बगैर। इनके बगैर सब बेकार। अगर ये नहीं तो हम नहीं, ये हैं तो हम हैं। देख लो ये गवाही है। बहुत बड़े अफसोस की बात है। वैसे तो हम तालियां बजा रहे हैं लेकिन ये इंदर अग्रवाल जी की धर्मपत्नी का अभी अभी कुछ दिनों पहले, कितने दिन हुए हैं, स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हो गया, उछल बसे, बड़े प्यारे इंसान थे, बहुत प्यारे। क्योंकि मैं जानता हूँ, आप जानते नहीं, बहुत सारे लोग, कुछ लोग जानते होंगे, मिले होंगे। मैं जानता हूँ कि वो कितनी गुणों की भरी हुई वो शख्सियत थी, वो जो व्यक्तित्व था, वो फिर से नहीं आ सकता, चला गया। हाँ हाँ प्रज्ञावती, उसके भी भक्ति, इसकी इनकी धर्मपत्नी की भक्ति का कोई मुकाबला नहीं। कुछ नहीं बोलती थी, कुछ नहीं कहती थी, चुपचाप थी। दर्शन नहीं, प्रदर्शन नहीं, दिखावा नहीं, लेकिन भीतरी भीतर ये तो सब पुष्टि में है। जो हम कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसका समर्थन करने के लिए ये बीच बीच में राग चलते हैं। तो इन ये तो कमी पूरी नहीं हो सकती, इनकी धर्मपत्नी की कमी है। और मैं स्वयं ज़ाती तौर पे उनके उनसे बहुत मुतासर था, उनकी भक्ति से, उनके रहन सहन से, उनकी बातों से, और कैसे उन्होंने सारे घर को, इतने बड़े घर को संभाल रखा था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको, इंद्र जी को संभाला हुआ था। देखो उनके आंसू अभी भी नहीं थमते, उनके आंसू अभी भी नहीं थम रहे, इतने दिन हो गए हैं। ये एक साथी के चले जाने का गम तो होता ही है, लेकिन वो अगर साथी
परमात्मा की मूरत हो तो फिर उसका गम को मिटता ही नहीं कभी, वो लगा रहता है, सारा जीवन लगा रहता है। तो ये को क्षति मिटने वाली थोड़े है। बहुत अफसोस, लेकिन उसके बीच एक शक्ति देखो इंदिरा अग्रवाल जी की, कि ये मौजूद हैं वैसे ही जैसे पहले सत्संगों में मौजूद थे। ये उसी श्रद्धा से, उसी समर्पण से सारा काम देख रहे हैं। ये स्टेज सजी है, सब हो रहा है। ये सारी रिकॉर्डिंग यही करते हैं, ये ना करें तो फिर कुछ ना देख ना पाए। ये जो प्रोग्राम है ये देखा जा रहा है, ऑनलाइन है। हाँ, तो ऑनलाइन करने वाले यही जो है इंदिर जी, तो इनका धन्यवाद कैसे करोगे? गम भी है और तालियां भी हैं, यही जीवन है, इसी को जीवन कहते हैं। धूप भी है और छाया भी है। कहाँ है? प्रोफेसर पवन है यहाँ? नहीं, पवन नहीं होगा, प्रोफेसर है। अच्छा, सबने जाना है तो कपड़े क्यों उतारते हो अपने, जब मैले हो जाते हैं या जब फट जाते हैं? तो ऐसे ही शरीर जब मैला हो जाता है या फट जाता है तो उतार दो, तो उतर जाता है। वो उतारने वाला उतार लेता है, उसी को मौत कहते हैं, उसी को मृत्यु कहते हैं। और वैसे तो मैंने तुम्हें बताया कोई नहीं मरता, सब यही है। और जिस तशद्दत के साथ इंदिर जी वो जुड़ी हुई थी आपके परिवार के साथ, वो जल्दी वापस आएंगी और फिर उसको गोद में लेके खिलाना। यही जीवन है। राज पंडित ने स्तुति गाई। राज पंडित जानते हो ना, इनका बेटा है, आता रहा है यहाँ। वो तो बहुत विख्यात है जगत में अपने आवाज़ के लिए, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है।